हमास के साथ युद्ध के बीच इजराइल के उत्तरी फ्रंट पर लेबनान और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला बार बार रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहा है और इस सब के बीच ऐसी पूरी संभावना बनी हुई है कि हमास के साथ हिजबुल्ला भी इस जंग में कूद सकता है। लेकिन इसराइल पहले ही चेतावनी दे चुका है कि हिजबुल्ला का ये फैसला उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसराइल की फौज के आगे आखिर हिजबुल्ला कितना ताकतवर साबित हो सकता है, तो इसको लेकर इसराइल के एक थिंक टैंक नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज यानी INSS ने बड़ा दावा किया है। INSS का दावा है कि हिजबुल्ला के पास 2 लाख रॉकेट और 1 लाख तक लड़ाके हैं। हिजबुल्ला को ईरान से फंडिंग और हथियार मिलते हैं। हिजबुल्ला में 50,000 से लेकर 1 लाख तक नियमित लड़ाके और रिजर्विस्ट हैं। INSS की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला के पास करीब 40,000 ग्रेड टाइप रॉकेट जिनकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक और करीब 80,000 मीडियम लॉन्ग रेंज रॉकेट जो 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं और करीब 30,000 रॉकेट और लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जो 200 से 300 किलोमीटर तक का दायरा कवर कर सकती हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास सैकड़ों फतेह 110 मिसाइलें हैं जो कम रेंज वाली फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों को ईरान ने बनाया है। ये मिसाइलें 500 किलोग्राम तक विस्फोटक GPS आधारित नेविगेशन तकनीक से ले जा सकती हैं। इन मिसाइलों की सटीकता और विध्वंसक क्षमता काफी ज्यादा है। INSS की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि हिजबुल्ला के पास उच्च गुणवत्ता वाले C-802 जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइलें हैं जो चीन की बनी हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास रूस की याकोट और उन्नत किस्म वाली कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल भी है जो मोटर बम और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल SA-17 और SA-22 वेरिएंट को लॉन्च करने में सक्षम है। ये मिसाइलें ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को उड़ा सकती हैं। लेकिन हकीकत में हिजबुल्ला के पास कितने और कौन कौन से हथियार मौजूद हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। वहीं इसराइल पर हमले को लेकर अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट के कई देश हिजबुल्ला को इस युद्ध से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने कह दिया है कि हिजबुल्ला को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से पता है और हम तैयार हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का कहना है कि IDF को उत्तरी फ्रंट पर हिजबुल्ला का सामना करने के लिए तैयार रहना है क्योंकि हिजबुल्ला हमास से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है और यही वजह है कि अब इसराइल अपने उत्तरी फ्रंट पर भारी संख्या में फोर्स और हथियारों की तैनाती कर रहा है।